हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम आ पहुँचे हैं हीरो के शोरूम में और आज हमारे सामने हीरो की HF डीलक्स BS6। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं इसका जो चेंजेस हुए उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, फिर इसका स्पेसिफिकेशंस, प्राइस सब कुछ इस वीडियो में जो है आपको जानने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके मेन फीचर्स। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं हीरो HF डीलक्स BS6। तो ये आप गाड़ी का फ्रंट से व्यू देख रहे हैं। अगर पहले चेंज की बात करें तो इसमें आपको हीरो का जो ब्रांडिंग, जो पहले नॉर्मल हीरो लिखा रहता था उसको चेंज करके अब वो हीरो आपका 3D लोगो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और ये फ्रंट से कुछ इस प्रकार का व्यू मिलता है। हेडलैम्प में कोई चेंजेस नहीं है। ये सैंड इंडिकेटर्स में कुछ हल्का सा चेंज मेरे को दिख रहा है। ये थोड़ा ये एंगल टाइप का रहता था, इसको थोड़ा चेंज यहाँ पर किया हुआ है। और यहाँ पर आप नंबर प्लेट लगाने के लिए यहाँ पर आपको जगह दी हुई है। तो फ्रंट से कुछ इस प्रकार का व्यू आपको मिलता है। और ये आपका ग्लॉसी कलर का मड गार्ड जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है। और यहाँ पे IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम जो है यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलता है। अगर फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशन आपको फ्रंट में मिलता है। और अगर फ्रंट टायर्स की बात करें तो 18 इंच के आपको ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाते हैं। और ये वाइट कलर का इसका जो अलॉय व्हील है और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, इसके साथ एक अच्छा लुक जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो फ्रंट से कुछ इस प्रकार का व्यू आपको मिलता है। अगर दूसरे चेंज की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको मिलता है इसमें फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन इंजन जो है यहाँ आपको मिलता है। और अगर तीसरे चेंज की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है कैटलिटिक कन्वर्टर। और साथ साथ तो ये आपका जो ब्रेक है, ब्रेक में ये जो आप देख सकते हैं, ये आपका जो चप्पल जूता जो भी आप पहने रहेंगे उससे टच मत हो इस एरिया में, उससे बचाने के लिए आपको ये हल्का सा फ्रेम टाइप का यहाँ पे दिया हुआ है। और ये आपका कैटलिटिक कन्वर्टर है। और यहाँ पे आपका एक बॉक्स दिया है जिसमें पहले सिर्फ ये आपका पावर स्टार्ट लिखा रहता था, लेकिन अब यहाँ पे आपको फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो है यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। और ये फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये ऑक्सीजन सेंसर है। तो कुछ इस प्रकार का व्यू आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। और अगर चौथे चेंज की बात करें तो एक क्रोम प्लेट आपको यहाँ पर लगी हुई मिलेगी। पहले वो क्रोम प्लेट आपको नहीं रहता था, वो सिर्फ प्लेन रहता था, उसमें कोई चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन इसमें आपको एक क्रोम प्लेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों इसके इंजन की बात करें तो इसका इंजन के स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बता देता हूँ। इंजन स्पेसिफिकेशंस है 97 CC का डिस्प्लेसमेंट आपको मिलता है। पावर की बात करें तो 8.05 BHP का पावर आपको मिलता है। और टॉर्क की बात करें तो 8.05 N का टॉर्क आपको इसमें मिल जाता है। और इसमें आपका जो है आपका दोनों तरफ इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, मतलब कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम जो आप इसको बोल सकते हैं। अगर सामने में आप ब्रेक लगाएंगे तो पीछे में भी आपको ब्रेक मिलता है। और अगर और चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे आप ग्राफिकल चेंजेस जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और ये जो कलर की बात कर रहे हैं अपन, ये ग्रे विथ ग्रीन वाला कलर्स की जो है अपन बात कर रहे हैं। अगर इसमें कलर्स की बात करें तो टोटल इसमें 5 कलर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और ये हीरो का ब्रांडिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 9.6 L का फ्यूल टैंक आपको इसमें मिलता है और 1 L का जिसमें रिजर्व कैपेसिटी है। और ये आप देख सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ये आपका एनालॉग टाइप का स्पीडोमीटर है। यहाँ पे साइड स्टैंड इंडिकेटर आपको मिल जाता है। और ये इंजन माल फंक्शन का बटन है, स्विच है। और ये अभी गियर का पोजिशन आपको इंडिकेट करेगा। और ये फ्यूल का मीटर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये टर्न इंडिकेटर्स है। और इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये सेल्फ का बटन है। और इस वीडियो में आपको मैं गाड़ी स्टार्ट करके भी इसका एग्जॉस्ट साउंड जो है वो आपको बताऊंगा। ये आपके इंडिकेटर का बटन है, हॉर्न का बटन है, और ये पास का स्विच आपको मिलता है। और अगर आप पीछे से सामने की तरफ गाड़ी का व्यू देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का व्यू मिलता है। वाइट साइड एंग मिरर्स आपको मिल जाते हैं पीछे का बेटर लुक देने के लिए। और BS4 में दोस्तों ये हीरो का ब्रांडिंग नहीं रहता था, तो ये हीरो का ब्रांडिंग भी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ चेंजेस हैं। और अगेन साइड से आप देखेंगे तो ये हीरो का ब्रांडिंग यहाँ पे आपको मिलता है। स्टिकरिंग काफ़ी बढ़िया है, इसकी क्वालिटी जो है शानदार आपको मिलती है। और HF डीलक्स ये भी आप एक नया कलर में देख सकते हैं, नया ब्रांडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगेन इस साइड के जो इसका बॉक्स है उसको भी चेंज किया गया है। वो थोड़ा सा वाइट बॉक्स रहता था BS4 में, लेकिन अब इसको चेंज करके थोड़ा सा इसको डिज़ाइन चेंज करके यहाँ पे प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका एक ऑक्सीजन सेंसर है। अगर इसके फ्रेम की बात करें
तो ये डबल क्रेडल फ्रेम आपको इसमें मिल जाता है। और अगर रियर सेक्शन की तरफ चलें तो ये आपका सारी गार्ड है, ये आपका कवर्ड चेन कवर्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। चेन का मेंटेनेंस की कम ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि डैमेज काफ़ी कम होगा उससे। और ये गियर का जो लीवर है, ये गियर पोजीशन है तो इसका जो लीवर है इसको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा के दिया हुआ है। यहाँ पे हीरो का ब्रांडिंग आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर एक पाँचवें और लास्ट चेन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है साइड स्टैंड इंडिकेटर। साइड स्टैंड इंडिकेटर के साथ साथ एक साइड स्टैंड सेंसर भी है, मतलब साइड स्टैंड में अगर आपकी गाड़ी रहेगी तो वो स्टार्ट नहीं होगी। तो ये कुछ चेंजेस हैं। और अगर रियर सेक्शन में अगर हम चलें तो रियर में भी आपको जो है 18 इंच के ट्यूबलेस टायर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। रियर सस्पेंशन की बात करें तो टू स्टेप एडजस्टेबल टाइप का रियर सस्पेंशन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार का व्यू आप साइड से रियर की तरफ देख सकते हैं। और पीछे की तरफ चलते हैं तो दोस्तों ये हीरो का ब्रांडिंग है, ये कन्वेंशनल टेल लैंप है और ये इंडिकेटर्स है। तो कुछ इस प्रकार का व्यू पीछे से जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और साइड से कुछ इस प्रकार का व्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये रहा इस गाड़ी का बारे में कुछ डिटेल्स। और इसको स्टार्ट करके मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये रहा गाड़ी का कुछ डिटेल स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, चेंजेस सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। अगर प्राइस की बात करें तो BS4 से इसकी प्राइस लगभग 6,500 के आसपास बढ़ गई है। और इसका मैं माइलेज भी आपको ज़्यादा मिलेगा, लगभग 9% का ज़्यादा माइलेज इसमें आपको मिल जाता है, ऐसा कंपनी का क्लेम है। आपको इसका माइलेज कितना मिल रहा है हमको कमेंट बॉक्स में आप जा करके कमेंट करके बताएँ। और मैंने अपने तरफ से पूरा डिटेल्स इस गाड़ी का बताया है, अगर कुछ छूटा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जानने को मिल जाएगा। तो अगर इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करें बिलासपुर छत्तीसगढ़ की तो वो है 56,125 रुपीज़। और इस जो आपका BS4 मॉडल आता था उसका प्राइस लगभग 49,500 के आसपास था। तो लगभग 6,500 रुपये का कीमत इसका बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताएँ। अगर कुछ सवाल हैं तो आप हमसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।